नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज आपके समक्ष मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिंक जिंक उर्वरक को आलू की खेती में क्यों दें, किस भूमि में इसकी कमी होती है, कमी के क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से जिंक देनी चाहिए और इससे क्या लाभ होंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों जिंक। जिंक देते समय सामान्य तौर पर हम किसान भाई बहुत सारी गलतियां करते हैं, और कहीं आपने भी तो ये गलती नहीं की? इस बात को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। और हाँ किसान भाइयों, इस तरह की बहुत सारे आपके बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर के मैं समय समय पर आता रहता हूँ, और उन जानकारियों के वीडियो भी मेरे चैनल पर, आप ब्रजरज कृषि फॉर्म चैनल पर जाकर के वीडियो सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपके काम की, बहुत ही ज़्यादा काम की जानकारियाँ उपलब्ध हैं इस पर, तो उसमें आप देख सकते हैं। और नए किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आप एक बार इसको जरूर देखें, क्योंकि हर प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से और वास्तविक जो किस तरह से रिएक्शन करती है, क्या उसका उपयोग है पौधे में, किस तरह से कमी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं और उसके किस तरह से उसका फसल के उत्पादन पर और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, और उन सब जानकारियों को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी वास्तविक रोग के कारण को जान जाएंगे तो रोग का निदान करने के लिए आप अपने भी आइडिया लगा सकते हैं और निदान करने के तरीके में आप गलतियां नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम जिंक उर्वरक की। जिंक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक होता है। इसकी जो किस भूमि में सबसे ज्यादा कमी होती है, अगर उसकी हम बात करें तो सबसे पहले ऐसी भूमि जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, ऐसी भूमि में जिंक की कमी होती है। दोस्तों, लवणीय भूमि जो हो कहते हैं, साल्ट साल्ट वाली जो मिट्टी होती है उसमें इसकी कमी होती है। दोस्तों, क्षारीय जिसका पीएच 7.5 से ज्यादा, हालांकि 7 पीएच की भूमि को जो है नॉर्मल, या कहें कि उसको जो है ना वो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, लेकिन 7 से ऊपर का पीएच बेसिक माना जाता है। 7.5 तक, 7.5 तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर भूमियों का जो पीएच अब जो आ रहा है वो 8 साढ़े 8 तक आ रहा है। दोस्तों, ऐसी भूमि में भी जिंक की कमी हो जाती है। साथ ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम फास्फोरस यानी डीएपी की मात्रा जो मानकों से ज़्यादा देते हैं, उस भूमि में फास्फेट के साथ में जिंक की क्रिया करने के कारण अत्यधिक कमी पाई जाती है। इसके लक्षण आपकी फसल में दिखाई देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है। दोस्तों, अगर हम कमी के लक्षणों की बात करें तो आपकी बुवाई के 2 से 4 दिन हफ्ते बाद, यानी कि बुवाई से 2 से 4 हफ्ते में, ये सभी फसलों की बात कर रहा हूँ मैं, 2 हफ्ते का मतलब है, जैसे कुछ फसलें जल्दी जर्मिनेट हो जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं उनमें 2 हफ्तों में, और कुछ फसल देर से जर्मिनेट होती हैं, जैसे आलू वगैरह है तो उसमें 4 हफ्ते में लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो उसमें नई जो पत्तियाँ निकलती हैं, उन पत्तियों की जो मध्य शिरा है, बीच की शिरा है, यानी कि बीच की जो लाइन है, वो आपको रंगहीन, कलरलेस दिखाई देगी, यानी सफ़ेद सी या कह सकें मटमैले रंग की सी दिखाई देगी, वो हरी नहीं दिखाई देगी आपको। पहले शुरुआत में पीली होती है, फिर धीरे धीरे जो है वो मटमैले रंग की होती चली जाती है, और पत्तियां सिकुड़ने लग जाती हैं। दोस्तों, पत्तियां सबसे पहले आगे की सिकुड़ती हैं और पीछे फिर छोटी छोटी पत्तियां आने लगती हैं। ये सब लक्षण जो हैं जिंक की कमी के होते हैं। कुछ किसान भाई इसको रोग समझ लेते हैं और दुकानदार के पास अगर इस पौधे को ले जाएंगे तो वो आपको तमाम रोगों के बारे में बता देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें जिंक की कमी है। धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। कल्ले जो जनरली धान की खेती में और गेहूं की खेती में बहुत सारे कल्ले फूटने चाहिए, वो कल्ले की फुटवार रुक जाती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और धीरे धीरे पौधा जो है मरने लगता है। ये सब कमी जिंक की होती है। दोस्तों, पत्तियों के किनारों में ऐंठन उत्पन्न होती है। आप देखेंगे किनारे धीरे धीरे ऐंठने लगते हैं, और जो है इठते हुए धीरे धीरे सिकुड़ करके पीले पड़ते हुए, और पौधा जो है छोटा रह जाता है या बढ़वार रुक जाती है। ये सब लक्षण जो है जिंक की कमी के होते हैं। दोस्तों, तो आप इस जिंक की कमी से क्या नुकसान हो सकता है उसकी अगर हम बात करें तो पौधे का पूर्ण विकास नहीं होता। दोस्तों, पत्तियां सिकुड़ कर पीली पड़ जाती हैं, अंततः पौधा मर भी सकता है। अब
इसकी अगर हम और बात करें कि क्या क्या रोग हो जाते हैं फसलों में अगर जिंक की कमी हो जाए, तो धीरे धीरे बाद में ये जो पहले शुरुआत में कमी प्रदर्शित होती है फिर वो एक रोग का रूप ले लेती है। तो अगर रोग की बात करें, तो अगर हम धान की फसल की बात करें, धान में खैरा रोग आपने सुना होगा। खैरा रोग में क्या होता है कि पत्तियां पहले भूरे का पीले भूरे धब्बे बनते हैं, फिर वो सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, धीरे धीरे पूरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूखने लग जाता है। तो ये जो लक्षण हैं वो खैरा रोग के हैं। दूसरा रोग है मोटेन लीफ, मोटेन लीफ फ्रेंचिंग्स। ये जो मोटेन लीफ या फ्रेंचिंग स्ट्रेस जो बीमारी है वो नींबू में पाई जाती है। नींबू की पत्तियां देखी होंगी आपने, सिकुड़ जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं और उसके अंदर धब्बे दिखाई देते हैं। ये नींबू की फसल में दिखाई देता है। मक्का में सफ़ेद पत्ती या सफ़ेद कली आना, ये भी जो है जिंक की कमी का लक्षण है। और आलू में पत्तियां छोटी रह जाना, सिकुड़ जाना, मुड़ जाना और पीली पड़ जाना, ये सब जिंक के लक्षण है। इसकी कमी से दोस्तों अगर हम बात करें गेहूं की फसल की, तो गेहूं की फसल में तो फुटाव नहीं होता, कल्ले रुक जाते हैं। कमी आखिर होती क्यों है फसलों में? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम ऐसी फसलों का लगातार खेत एक ही खेत में लगातार एक ही फसल करते रहना जो जिंक को ज़्यादा चूसती हैं, ज़्यादा अच्छी ऐसी वैरायटी बहुत आ रही हैं जो उत्पादन अत्यधिक देती हैं, और ऐसे अधिक उपज देने वाली प्रजातियां जिंक को निश्चित रूप से चूसती हैं दोस्तों। एक तो कारण ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है जिसमें हम गलतियां करते हैं वो ये है कि मानक मात्रा से ज़्यादा हम जो है फॉस्फेट की मात्रा यानी DAP की मात्रा खेतों में देते हैं। ज़्यादातर किसान भाई 5 पैकेट प्रति एकड़ या 6 पैकेट प्रति एकड़ जो लोग अपनी खेती में देते हैं, उन खेतों में बाद में फसल पर जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों। इसको इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका और बढ़िया उपाय हम बताएंगे आपको कि किस तरह से इसकी कमी को पूर्ति करके आप अत्यधिक लाभ ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन और अच्छी गुणवत्तापूर्ण फसल ले सकते हैं। तो अब हम बात करें दोस्तों कि अगर आप फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तब भी जिंक की कमी उत्पन्न होती है दोस्तों। अगर हम इसके जिंक के फसलों में लाभ की बात करें, यानी जिंक आपने अगर दी है तो क्या लाभ होगा उससे, उसकी बात करें, तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करेंगे दोस्तों। तो मिट्टी जो है भुरभुरी बनी रहती है, जल धारण क्षमता मिट्टी के अंदर भर जाती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, अंदर से आलू खोखला नहीं होगा, अंदर से आलू काला नहीं होगा। जो आपने देखा होगा आमतौर पर जब हम काटते हैं तो अंदर से आलू खोखला और काला पाया जाता है या कलर बदल देता है, उस तरह का भी नहीं होगा जिंक की कमी से। जिंक पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है दोस्तों। आलू के कंद का आकार बढ़ता है, कंद का वजन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? उसका कारण है कि जिंक जो हरित लवक होता है यानी कि जो भोजन बनाने में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, जिंक मैग्नीशियम और जो है ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो इसको बनाने का काम करते हैं। तो मैग्नीशियम की बात हम बाद में करेंगे, आज केवल जिंक टॉपिक को लेकर के चले हैं। तो वो उस हरित लवक बनाने की प्रक्रिया में सहायक होती है जिंक, यानी ऑक्सीडेशन कराती है पौधे का अधिकतर मात्रा में। उसकी वजह से बहुत अच्छा भोजन पर्याप्त मात्रा में बनेगा और ट्यूबर भी अच्छे बनेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, वजनदार होंगे, ये सब काम होगा। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट जो गेहूं का के पौधे के बीज के रूप में होता है, आलू के पौधे में ट्यूबर के रूप में होता है, उस कार्बोहाइड्रेट के परिवहन के रूप में यानी ट्रांसलोकेशन के रूप में जो काम करने वाला तत्व है वो है आपका जिंक दोस्तों। ये अच्छी तरह से ट्रांसलोकेशन करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता तो पत्तियों में है और उस पत्तियों में बनने के बाद वो ट्रांसलोकेशन के द्वारा यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचाने का काम जो सुगमतापूर्वक करेगा वो आपका जिंक तत्व करेगा दोस्तों। जिंक के माध्यम से वो ट्यूबर के फॉर्म में स्टोर होगा और ट्यूबर आपका भली प्रकार से और बहुत बढ़िया बनेगा दोस्तों। ये सबसे बहुत बढ़िया काम है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपापचय करने का काम भी जिंक करता है और प्रोटीन और कैरोटीन संश्लेषण में सहायक होता है जिंक। ट्रिप्टोफैन और अमीनो एसिड लास्ट में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन की जो इकाई है वो अमीनो एसिड होती है दोस्तों, उसके बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही बहुत सारे एंजाइम बनाने में सहायक होता है। मैं आपको बता दूं जो आप ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, IA, इंडोलिक एसिडिक एसिड जो मैंने आपको जब हमने
ग्रोथ हार्मोन की बात करी थी एक वीडियो में, तब मैंने बताया था कि ज्यादातर ग्रोथ हार्मोन पौधा स्वयं निर्माण करता है, तो स्वयं उस पौध उस ऑक्सिन के निर्माण के लिए या IAA इंडोल एसिटिक एसिड निर्माण के लिए जो सहायक तत्व होता है वो भी दोस्तों जिंक ही होता है। तो आप समझ गए होंगे जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, इसको देने का तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आप इसकी पूर्ति कैसे करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोगों आपको सलाह दी जाती है या दुकानदार आपको ज्यादातर 33% के रूप में जिंक देता है, कुछ लोग चिलेटेड जिंक भी देते हैं, और हम लोग चूंकि बेसल डोज के अंदर फॉस्फेट की पूर्ति मुख्य रूप से करते हैं वो DAP के द्वारा करते हैं, और हम उसी के साथ 33% जिंक या जो भी जैसे भी जिंक आपने डाला, अगर हमने जिंक फॉस्फेट के साथ या DAP के साथ उस समय डाल दिया है मिट्टी के अंदर दोस्तों, तो जैसे ही हम इस ये आयनित होता है, आयनित कब होगा, जब जब नमी मिलेगी इसको, जब क्रियाशील होगा तो आयनित होकर के फॉस्फेट के साथ जिंक फॉस्फेट बना लेगा और वो अघुलनशील अवस्था में फिक्स हो जाएगा। ये दुश्मन है, फॉस्फेट और जिंक में आपस में ऐसी दुश्मनी है दोस्तों, अगर फॉस्फेट की मात्रा बढ़ती है तो जिंक की मात्रा कम हो जाएगी, फॉस्फेट बढ़ेगा जिंक कम होगा। तो इस तरह से अगर हमने ऑलरेडी मानक मात्रा से ज्यादा फॉस्फोरस दे दिया, देते ही 5-6 पैकेट अगर आप दे रहे हो एकड़ में, तो निश्चित रूप से फास्फोरस ज्यादा दे रहे हो, तो उस भूमि के अंदर जो पाया जाने वाला जिंक है वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि जिंक आपके काम का नहीं रहेगा। भले ही आपने उसके साथ दिया है तो और भी आपने काम खराब कर दिया है। ज्यादातर किसान ये गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसल डोज में एक ही चीज मैंने बार बार आपको कहा है कि आपको फॉस्फेट देना है तो केवल फॉस्फेट ही देना है, DAP के साथ कोई भी नाइट्रेट वाला अवयव यानी उर्वरक नहीं देना है, यौगिक नहीं देना है, और आपको सल्फेट वाला यौगिक भी नहीं देना है होता है, लेकिन हम दे देते हैं, चलो दे दिया तो वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका फास्फोरस भी बेकार चला गया और जिंक भी बेकार चला गया। अब इसकी पूर्ति, चूंकि अब फास्फेट हम दे चुके, अब उसका हम काम नहीं है हमारे पास, अगर आपने उस समय जिंक और फास्फेट दोनों दिया है तो दोनों ही की आपको जरूरत पड़ेगी पौधे में दोस्तों। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए आजकल तो बहुत ही बढ़िया उपाय नैनो DAP आ गया है, और या फिर आप NPK जो है ले सकते हैं, 052-34 का प्रयोग करेंगे इस समय, या 1919 का प्रयोग करेंगे स्प्रे में, उसकी हम अलग बात करेंगे, यहाँ पर केवल हम जिंक की बात करेंगे। तो जिंक को देने का यहाँ सबसे बढ़िया और बेहतरीन जो तरीका है दोस्तों वो है स्प्रे। यहाँ पर कुछ किसान भाई एक गलती और करेंगे, अभी जो पहले पानी के साथ पहली सिंचाई के साथ यूरिया लगाएंगे तो उसमें भी 33% जिंक लगाएंगे। अब दोस्तों आपने पहले उसमें DAP अगर आपने नॉर्मल मात्रा में दिया है, यानी कि फॉस्फेट आपने एक आवश्यक मात्रा में दिया है, तब तो आप यूरिया के साथ 33% जिंक सल्फेट 3-5 kg लेकर के और डाल दीजिए, आप बिखेर करके दे दीजिए सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद में, तो आपके पौधे को जिंक की पूर्ति हो जाएगी। मेरे विचार से दोस्तों मैं एक आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देता हूं, क्योंकि फॉस्फेट तो सभी देते हैं और फॉस्फेट जरूरत भी है, तो अगर आप फॉस्फेट दे रहे हैं मिट्टी के अंदर बेसल डोज के अंदर, तो जिंक आप इस स्प्रे के अंदर प्रयोग करें। तो मैंने एक फॉर्मूला पहले ही बताया था कि जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट इसकी मात्रा को घोल करके, यानी कि आप हाइड्रेटेड लें, घुलनशील वाला जिंक लें। आजकल तो दोस्तों जिंक जो है 39.5% में लिक्विड जिंक आता है, तो इस समय यानी कि जब आपकी फसल 35-40 दिन की है उस समय आप 39.5% जिंक का आप स्प्रे कर दीजिए, जिंक सल्फेट के नाम से आएगा, और इस जिंक लिक्विड जिंक को 250 ml 250 ml प्रति एकड़ की मात्रा में आप स्प्रे कर दीजिए, ये 35-40 दिन 30-40 दिन पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पौधे में चाहे जिंक की डेफिशिएंसी है यानी कमी की वजह से लक्षण प्रकट हो रहे हैं, चाहे आपको जिंक की पूर्ति करनी है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ये लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, सस्ता तरीका करने के लिए आपको हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट लाना पड़ेगा, और हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट की मात्रा लेनी है आपको 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम से अगर कमी के लक्षण ज़्यादा कमी है तो 1 किलो भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 500 ग्राम ले लें और 150-200 लीटर पानी के अंदर उसका स्प्रे कर दें। इसके साथ आप आयरन सल्फेट भी दे सकते हैं, क्योंकि जिंक सल्फेट आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है, तो आयरन और जिंक दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, आप इनको दे सकते हैं दोस्तों, इसको स्प्रे करके आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा जो आप गेहूं की फसल में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप गेहूं की फसल में भी आप बेसल डोज में जिंक न दे करके, जब कल्ले फूटने को होते हैं, जब जर्मिनेशन होने के बाद कल्ले फूटते हैं, तो वहां पर 500 ग्राम जिंक सल्फेट 1-2 kg यूरिया के साथ
घोल करके स्प्रे करने पर गेहूं की फसल में जबरदस्त फुटाव उत्पन्न होता है, वो भी आप करके देखिए। आप एक बार 100 लीटर पानी गेहूं की फसल के 100 से 150 लीटर पानी का प्रयोग कर सकते हैं आप, तो बहुत जबरदस्त आपको लाभ होगा। इसी तरह आलू की फसल में भी अगर आपके नाइट्रोजन की कमी प्रदर्शित होती है तो जिंक सल्फेट के साथ 1 kg यूरिया या नैनो यूरिया 400 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें मिक्स करके आप दे सकते हैं, तो इससे आपको जबरदस्त लाभ होगा दोस्तों। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के रूप में जिंक 33% आता है, जो आपको मैंने बताई दिया कि गेहूं की फसल में थोड़ा ज़्यादा जरूरत पड़ती है, आलू की फसल में थोड़ी कम जरूरत पड़ती है जिंक की दोस्तों, क्योंकि गेहूं की फसल का पौधा बड़ा होता है, नाइट्रोजन की भी ज़्यादा गेहूं में जरूरत होती है, आलू में कम होती है। नाइट्रोजन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अनाज वर्गीय फसलों में 5 से 8 kg जिंक दी जाती है प्रति एकड़ में, और सब्जी वर्गीय फसलों में 3 से 5 kg जिंक दी जाती है, आप समझ गए होंगे। और ये जो केजी में मैं आपको बता रहा हूँ, ये छिड़कने की और यूरिया में मिला के डोज है। अगर आपको स्प्रे करना है तो 400 ग्राम ले लें, और अगर कमी के लक्षण प्रकट होते हैं तो 1 kg जिंक सल्फेट ले सकते हैं और इसको मिला स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। स्प्रे में आप जो है चिलेटेड जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप चिलेटेड जिंक के रूप में लेते हैं तो वो 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके आप मिला सकते हैं। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आएंगे, मुझे पता है कि इसके साथ मिला सकते हैं क्या, उसके साथ मिला सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जिंक सल्फेट का अगर वो आपने यौगिक लिया है तो कोई भी फॉस्फेट का और नाइट्रेट का कोई भी यौगिक आप इसके साथ ना मिलाएं, बाकी का आप यूरिया के साथ मिला करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बोरोन के साथ भी मिला करके दे सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रही बात फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड की, तो फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड दोस्तों क्या उसका फॉर्मुलेशन है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपका फॉर्मुलेशन इससे मैच करता है तो आप मिला सकते हैं, नहीं मैच करता तो नहीं मिला सकते हैं। इसकी जानकारी ज़्यादातर कंपनियां नहीं देती हैं। इसका ये तरीका जो है वो है कि आप एक कांच के गिलास में लें और दोनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा मिला करके मिक्स करें, मिक्स करने के बाद आप उसके टेम्परेचर को चेक करें, चेक कर लें हाथ से लगा के देखें, अगर वो गर्म होता है या ठंडा होता है तब भी आपको नहीं मिक्स करना है, अगर उसका रंग परिवर्तन होता है तब भी आपको मिक्स नहीं करना है, अगर उसमें कोई और अवक्षेप का मतलब है दोस्तों, या तो ऊपर जाली के रूप में एक मक्खन की तरह जैसे मठे पर मक्खन आ जाता है उस तरह से जमा हो जाएगा, या नीचे पैंदे में सफ़ेद पाउडर के रूप में बैठ जाएगा, अगर ऐसे कोई भी क्रिया होती है तब भी आपको मिला करके नहीं देना है। अगर आपने इस तरह से अपनी खेती में जिंक का प्रयोग किया है तो मेरी गारंटी है निश्चित रूप से आपका जो है परिणाम आपके कई गुना बेहतर होंगे और फसल को पूरा लाभ मिलेगा। इसके लाभ के तौर पर आप देखेंगे कि आपके उत्पादन में तो वृद्धि होगी होगी दोस्तों, गुणवत्ता में वृद्धि होगी, पौधा हमेशा लहलाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, साथ ही आपकी फसल में को पाले से और जाड़े से भी बचाएगी, क्योंकि जिंक अपने आप में एक रोग प्रतिरोधक एलिमेंट है जो रोगों से पौधे को बचाता है। तो जिंक के लिए आज इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो अपने किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, कमेंट बॉक्स में और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो बताइए, यथासंभव आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। कार्य भाई साहब और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो फॉलो करते हैं, जो वीडियो देखते हैं और जो शेयर करते हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।